वाई गैलवे, गैलवे ही क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि गैलवे को लगभग मैं 14 वर्षों से कर रहा हूं, तो जो मैंने जाना था गैलवे में, जो मैंने समझा था, मैं एक ही कंपनी, मेरे लाइफ का ये पहली कंपनी और इस कंपनी को कंटिन्यू में काम कर रहा हूं, तो आज आपको जरूर बताऊंगा कि आपको गैलवे में क्यों काम करना चाहिए। तो आइए मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं। सवालों से, कुछ सवाल है मेरे आपसे, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, ये आपसे मेरा प्रश्न है। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग आप आज के लिए करना चाहते हैं, या कल के लिए करना चाहते हैं, या आने वाला भविष्य के लिए करना चाहते हैं, या आप इसको शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय के लिए करना चाहते हैं, ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है। क्या आप भविष्य में बड़ा पैसा लगातार कमाना चाहते हैं, या कुछ समय के लिए थोड़ा पैसा कमा कर खुश होना चाहते हैं, चाहे आपका भविष्य अंधकार में जा जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों हम लगातार बड़ा पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल आपको अपने आप से करना है। क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग को एक कैरियर की तरह लिया है, या थोड़े समय के लिए इस फील्ड में आए हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने इस इंडस्ट्री को अपने आप को एक कैरियर के रूप में लिया हूं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को कैरियर के रूप में लिया हूं। बड़े सारे लोग जब आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो लोगों को देख करके काम शुरू करते हैं कि चलो यार, बड़े सारे लोग कर रहा, मैं भी करके देख लेता हूँ। तो क्या करके देख लेता हूँ, क्या शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के सही जवाब जानने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से समझ पाएंगे और उचित फैसला कर पाएंगे कि आपको किस तरह के मार्केटिंग प्लान और किस तरह की कंपनी में अपना भविष्य बनाना चाहिए। दोस्तों, तो आज दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों, तो बड़े सारे सवाल आपके मन में चलते हैं, बड़े सारे सवाल दोस्तों लोगों के मन में चलते हैं, और ऐसे ही सवाल दोस्तों मेरे मन में भी चलता था कि जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, वह डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए क्या साबित होगा? क्या उसमें मेरा भविष्य है? क्या उसमें मेरी लाइफ है? क्या उसमें मेरा कैरियर है? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा दोस्तों वाई गैलवे की ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में हमें प्रमोटर यानी कि कंपनी को चलाने वाले लोगों के बारे में जानना चाहिए। तो कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं दोस्तों जो कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी होता है, रेलगाड़ी का दोस्तों इंजन, जिस तरह इंजन जिस दिशा में जाता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट उसके सारे डिब्बे उसी दिशा में जाता है, ऑटोमेटिक उसके पीछे भेजे जाता है। इसी तरह दोस्तों किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डायरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रमोटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रमोटर जिस दिशा में जाएंगे, जैसा उनका काम करने का एक्टिविटी होगा दोस्तों, वैसे ही उनके लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं एक प्रमोटर कैसा होना चाहिए, एक प्रमोटर में कितना अच्छा है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी नियत कैसी है। नियति यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलने का दोस्तों हमारा उद्देश्य होता है पैसा कमाना। क्या पैसा ही कमाना सब कुछ है? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों पैसा कमाने के साथ साथ हमारा नियत है हमें लोगों को कामयाब बनाना, हमारी नियति है लोगों के सपने को साकार करना। अगर आप यहाँ के प्रमोटर को देखेंगे दोस्तों, तो आप किसी प्रमोटर को कैसे जान पाएंगे कि ये प्रमोटर कैसे हैं, जब आप उनकी एक्टिविटी देखेंगे, जब उनका काम करने का तरीका देखेंगे, जब हम आप उनके विजन को समझेंगे, जब आप उनके पारदर्शिता को समझेंगे दोस्तों। तो एक डायरेक्टर का सबसे पहला जो चीज डिपेंड करता है दोस्तों, वह है नियति। दूसरा है व्यक्तित्व तो कैसा है, क्योंकि दोस्तों एक इंसान एक अच्छा व्यक्तित्व का होना चाहिए। व्यक्तित्व के साथ साथ अगर तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूं, तो वह है दोस्तों अनुभव, जो एक प्रमोटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन तीन चीजों में, जिस तरह नियति बहुत ज्यादा मायने रखता है, नियत मायने रखता है, इसी तरह दोस्तों एक प्रमोटर के लिए उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि एक व्यक्ति के पास जितना ज्यादा अनुभव होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप समझिए आपकी जिंदगी, आपका भविष्य उतना उज्जवल होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, एक इंजन जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में सारे लोग जाते हैं दोस्तों। तो एक डायरेक्टर का, एक प्रमोटर का अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हमारे जो प्रमोटर्स हैं दोस्तों, उनके पास बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कहा जाता है ना दोस्तों,
जिसके पास जो होता है वही वो लोगों को दे दे पाता है, जिसके पास जो नहीं होता वो लोगों के पास दे नहीं पाता है दोस्तों। तो हमारे प्रमोटर के पास इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई सालों का अनुभव है, कई सालों का एक्सपीरियंस है भाई साहब। सीधी सी बात है, जो 1 लाख रुपए कमा सकता है वो किसी को भी 1 लाख रुपए कमा सकता है, ये बात अनुभव की होती है। इसी तरह दोस्तों, क्या वह अपने फील्ड में एक्सपर्ट है? दोस्तों हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, वो इस फील्ड के मास्टर हैं, बिकॉज इन्होंने खुद डायरेक्ट सेलिंग करी है, खुद नेटवर्क मार्केटिंग किया है दोस्तों। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूटर के दर्द को समझते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर की परेशानियों को समझते हैं। तो उनके पास इस फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव है। यानी कि यूं कह लीजिए, एक प्रमोटर की नियत, एक प्रमोटर का व्यक्तित्व या अनुभव, या उनके अंदर फील्ड फील्ड के मास्टर होने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे ब्रांड का, हमारा ब्रांड नेम है गैलवे। हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि 21 वर्षों से सफलतापूर्वक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों। 21 वर्ष, 21 साल का जो टाइम होता है दोस्तों, ये छोटा टाइम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टाइम है दोस्तों। सोचिए, 21 वर्ष पहले जब कंपनी गैलवे कंपनी स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो 21 वर्ष पहले हजारों कंपनियां, जिसमें से बड़े सारे इंडियन कंपनी, बहुत सारे विदेशी कंपनी, एक साथ काम को स्टार्ट किए थे दोस्तों। लेकिन आज आप उंगलियों पर भी गिनेंगे ना, तो उंगलियों पर भी वो कंपनी पूरे नहीं आएंगे जो सफलतापूर्वक 21 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि 15 सालों से प्लस वाली कंपनी होंगी, ऐसे आपके उंगलियों पर भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हम 21 सालों से पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं, और बहुत जल्द भारत से बाहर हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रमोटर सर पिछला महीने हम सबको बताए हैं दोस्तों कि हम सब इंडिया के साथ साथ बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्री इस कंपनी को लेके जा रहे हैं, यानी कि दुबई जा रहे हैं दोस्तों। दुबई के साथ साथ बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्री में हम जाएंगे। तो ये दर्शाता है हमारे कंपनी, हमारे प्रमोटर की सोच, हमारे प्रमोटर की नियत, हमारे प्रमोटर का एक्सपीरियंस। सोच के देखिए कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है, जो 21 सालों से लगातार ये कंपनी चल रहा है और आगे भी चलेगा दोस्तों। तो वो कौन है जो 21 सालों से लगातार इस कंपनी को आगे चला रहे हैं? तो अब मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं उनके बारे में। तो वो है दोस्तों हमारे प्रमोटर श्री संजीव शिब्बर सर और श्री चेतन हंडर सर। दोस्तों ये वो प्रमोटर हैं जिन्होंने 21 सालों से लगातार दोस्तों इस कंपनी को चला रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरे भारत में फैलाए हैं, बहुत जल्द हम आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हैं। अगर अपने प्रमोटर के बारे में हम बात करें, तो लगभग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर 25 वर्षों का दोस्तों इनके पास एक्सपीरियंस है, 25 सालों का अनुभव है दोस्तों। यानी कि यूं कह लीजिए कि हमारे प्रमोटर के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आइए मैं आगे बात करता हूं। हमारी जो ऑफिस है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत शानदार ऑफिस है दिल्ली में। इतनी शानदार ऑफिस खुला है दोस्तों। ये शानदार ऑफिस ये दर्शाता है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। ये शानदार ऑफिस ये दर्शाता है दोस्तों कि हमारा कैरियर, हमने जो वक्त दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जगह दे रहे हैं दोस्तों। ये जो मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये चित्र आप कभी भी अगर दिल्ली में आपका जाना होगा, बकायदा देखिए इसमें एड्रेस लिखा है दोस्तों। इस एड्रेस पे जा करके आप ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गैलवे का ये ऑफिस आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, बड़ी मैनेजमेंट टीम है हमारे पास, गैलवे के पास एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम है दोस्तों। आज हमारे पास मैनेजमेंट टीम में आप देख सकते हैं बड़े सारे लोग मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। उन्हीं में से दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सरोजीत सिंह अनरेजा जी के नेतृत्व में सारी मैनेजमेंट टीम, फाउंडर मेंबर, विजन एवं मिशन और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए दिन रात पूरी कर्मठता और प्रतिबद्धता से गैलवे को नंबर वन कंपनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे जो प्रमोटर्स हैं, आप जरा सोच के देखिए, सिर्फ बात हम नियति की कर रहे हैं, बात नियत की कर रहे हैं, बात उनकी मनसा की कर रहे हैं। आप सोच के देखिए किस मनसा के हमारे डायरेक्टर्स हैं, किस सोच के हमारे डायरेक्टर्स हैं दोस्तों। हमारे जो प्रमोटर्स हैं दोस्तों, प्रमोटर के अपने भाई खुद इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे, चाहते तो अपने भाई को अब इस कंपनी का डायरेक्टर्स बना सकते थे दोस्तों। बात वही हुआ दोस्तों, पहले जमाने में कैसे हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बना करता था। दोस्तों जमाना बदल गया, अब राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रमोटर का नियत तो देखिए, आप इनमें से बड़े सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमारी आपकी तरह यहाँ से जीरो स्तर पे काम किए हैं, और काम करके अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी काबिलियत की वजह से आज इस कंपनी के दोस्तों वो डायरेक्टर्स है।
सोच के देखिए क्या मनसा है, क्या नियत है, क्योंकि हमें आपको अच्छी तरह से पता है एक इंसान का तीन अवस्था होता है, बचपन का, जवानी का और बुढ़ापे का। दोस्तों हम कभी बचपन थे, आज हम जवान हुए हैं, आज अगर हम जवान होंगे हैं तो कल हम बूढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम इस काम को छोड़ देंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि एक इंसान का कार्य करने की एक लिमिट होता है, क्षमता होता है। लेकिन हमारी कंपनी की, हमारे प्रमोटर की मनसा तो जरा देखिए दोस्तों, आज वो है कल वो नहीं रहेंगे, बट ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक काबिल लोगों को इस कंपनी का डायरेक्टर्स बनाया है। आप देख लीजिए सरोजीत सर के पास लगभग 25 वर्षों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे श्री अमरनाथ गुप्ता जी के पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ जितने लोग आप देख पा रहे हैं सब लोगों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, और सारे के सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग करी है, सारे के सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं कंपनी के बैकएंड हेड पे देखा जाए तो नियर अबाउट 15 विभाग हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, और हर विभाग अपने आप में एक कंपनी है दोस्तों। हर विभाग आप सोच के देखिए, हर विभाग जितने में एक छोटी सी कंपनी खुल जाती है उतने में उतना बड़ी आप मान के लिए एक एक 15 विभाग अपने आप में एक कंपनी के साइज के बराबर है दोस्तों। उन्हीं विभागों में से मैं सिर्फ एक विभाग की आपके बारे में बात करता हूं, जरा सोच के देखिए। अभी इस विभाग के बारे में जब बात करूंगा, इसकी लागत के बारे में बात करूंगा, इस कार्य की मंशा के बारे में बात करूंगा, समझना सेवाएं ऐसी जो आपको गैलवेन होने पर गर्व एहसास कराए। दोस्तों गैलवे में जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के दौरान गैलवे में आप क्या दस्तावेज लगाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आप आधार कार्ड लगाते हैं, पैन कार्ड लगाते हैं, बैंक का डिटेल देते हैं दोस्तों। तो जब ये आप देते हैं तो देते वक्त कहीं ना कहीं हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कई प्रकार के सवाल होते हैं। आपको सिर्फ बताता हूं कि देखिए हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रमोटर का नियत कितना अच्छा है, जरा समझिएगा। जब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब हम अपनी सभी गोपनीय जानकारी इस वेबसाइट पर डालते हैं तो क्या वह चोरी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही प्रश्न आपके मन में आता है। बट समझिए मैं 15 विभागों में सिर्फ एक विभाग आपको बता रहा हूं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो आदि संवेदनशील डेटा कितना सुरक्षित है, यहां पर आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सख्त एवं प्रोफेशनल कदम उठाए गए हैं। हमारे पास अपना इन हाउस सर्वर है, क्योंकि हम अपने गैलवेन के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर प्रोवाइड भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने डेटा की सिक्योरिटी के संबंध में भरोसा दिलाएगा दोस्तों, अब वो सर्टिफिकेट है ISO। ISO ये दर्शाता है दोस्तों, जो आप दस्तावेज जो कंपनी में ऑनलाइन आप डालते हैं, अपलोड करते हैं, वो दस्तावेज आपका कितना ज्यादा सुरक्षित है, ये ISO आपके लिए दर्शाता है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी दोस्तों जिस कंपनी में आप दस्तावेज जब जमा करते हैं, हो सकता है दिखाने के वो दस्तावेज किसी के पास रखते होंगे, लेकिन वो कितना सुरक्षित है ये कहना मुश्किल है दोस्तों। पहले जमाना कुछ और था, पहले की चोरियां किसी और तरीके से होती है, लेकिन आज की जो चोरियां होती है दोस्तों वो डिजिटल तरीके से होता है। आपका दस्तावेज की वजह से कब आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी गैलवे कंपनी आपकी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों उसने यहाँ पर एक आईडी यहाँ इस सर्टिफिकेट के जरिए यानी कि ISMS की गाइडलाइन को फॉलो करती है, और यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने खुद का अपना एक आईटी कंपनी बनाया है दोस्तों, और साथ ही साथ GDPR एक्ट को सख्ती से फॉलो करती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका दस्तावेज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सोच के देखिए इस दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए हमारी कंपनी सालाना लगभग 50 लाख रुपए खर्च करता है दोस्तों, ताकि आपके दस्तावेज सुरक्षित रख सके। एक ऐसा कमरा कंपनी ने बनाया है सर्वर के लिए जहां पर 24 आवर दोस्तों आप वहां पर AC चलता है। एक ऐसा कैमरे की सिक्योरिटी काफी सख्त है एवं कई लेयर की सिक्योरिटी है दोस्तों, हम लगातार इसकी सिक्योरिटी को बदलते रहते हैं ताकि आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे। गैलवे हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कस्टमर के लिए हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेंटेन करके खड़ी है। इतनी सख्त एवं सुरक्षित डेटा के तकनीकी की उम्मीद क्या आप किसी लोकल कंपनी से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्त। ये दर्शाता है सिर्फ दोस्तों नियत से, ये दर्शाता है हमारे प्रमोटर की मंशा को। सोच के देखिए आप ऐसे लोगों के हाथ में है दोस्तों जो आपके दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों ये काम करता है। मार्केट में आए दिन बरसाती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
क्या इतना सिक्योर सिस्टम तैयार कर सकती है जहां पर आपका डेटा सुरक्षित हो, वो सिर्फ मार्केट की कुछ सर्विस प्रोवाइड कंपनियों से डील करती है और आपका डेटा राम भरोसे छोड़ देती है। दोस्त, मैं आपको यहाँ पर एक बात हिदायत देना चाहूंगा कि आप कोई भी गोपनीय जानकारी किसी ऐसी वेबसाइट पर ना डालें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वरना ऐसी बरसाती कंपनियों की वजह से आपके बैंक में पड़ा पैसा चोरी हो सकता है, आप पर कोई बड़ी समस्या आ सकती है। दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया, गैलवे पिछले 20 सालों से काम कर रही है और हमने शुरू से ही इस बात का पूरा ध्यान रखा है। हमारा सर्वर इन हाउस ही काम करती है, इसके लिए हमने अपने डेटा की सिक्योरिटी खुद की है। हमने हमेशा गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया है। गैलवे ने कभी अपने डेटा सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया है दोस्तों, इसलिए आप सुनिश्चित रहे क्योंकि डेटा गैलवे के पास सुरक्षित है। इसमें काम करने वाली टीम इतनी काबिल एवं सक्षम है कि हमने इस टीम को एक कंपनी में बदल दिया है जिसका नाम है दोस्तों सक्षम आईटी। आप देख सकते हैं दोस्तों, सक्षम आईटी भी उसी ऑफिस में काम करता, सक्षम आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जिसकी वजह से आपका डेटा दोस्तों पूर्ण रूप से सुरक्षित है और ये दर्शाता है हमारे कंपनी के प्रमोटर्स के नियत को दर्शाता है दोस्तों। क्योंकि आप और आपका जो पूरा आज आपकी पहचान आपका क्या है, आपकी पहचान आपका डाटा है दोस्तों, और आपकी डेटा को जो कंपनी सुरक्षित रख रहा है तो सोचिए उस प्रमोटर की नीयत कैसी होगी। दोस्तों, इससे और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको जानने के लिए, कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी जानने के लिए दोस्तों, हमारी कंपनी एक ट्रेनिंग चलाती है जिसका नाम है DI ट्रेनिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर इंडक्शन। आप इसको अटेंड करके कंपनी के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, हमारे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी कंपनी बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा में विश्वास रखती है। सोच के देखे, एससीपी यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, हमारी कंपनी सिर्फ आपके कैरियर पे नहीं, आपके भविष्य पे नहीं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी बेहतरीन ऊर्जा के लिए, आपके बेहतरीन मनोवस्था के लिए कंपनी दोस्तों ये कमाल की ट्रेनिंग लेके आती है जिसका नाम है दोस्तों SCP, जो आपके विचारों को, आपके मनोभाव को, आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को, कहते हैं ना, एक बहुत देसी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा कब होगा दोस्तों? जब मन को, मन के बारे में जब डिटेल से आप जानेंगे, जब आपकी बुद्धि ज्ञानवान होगी, जब चीजों को बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे, तब जाके दोस्तों पैसे के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को बेहतर रख पाएंगे दोस्तों। तो गैलवे फाउंडेशन यानी कि SCP ट्रेनिंग आपके स्वास्थ्य को आपके लिए बेहतर है दोस्तों, जो ये बिजनेस से हटकर है। सबसे मजे की बात है दोस्तों, इससे प्लान से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस की प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी बिजनेस से हटकर ये ट्रेनिंग कंपनी चलाती है, ये समाज सेवा के रूप में आपके प्रति चलाती है, समाज के प्रति चलाती है। तो सोच के देखिए कैसा मनता है, कैसे विचार है हमारे डायरेक्टर्स के, कैसा नियत है हमारे डायरेक्टर्स का, जो एक हाथ में स्वार्थ तो दूसरे हाथ में परमार्थ को लेकर चलता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी कंपनी श्री कृष्णाय गौशाला में भी पार्टिसिपेट है। वहां पर भी दोस्तों जिस भी प्रकार से कंपनी सहयोग कर सकता है, वो कंपनी पूर्ण रूप से वहां सहयोग करता है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी, यहाँ तो सिर्फ मैं एक से दो चीजों के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैंने SCP के बारे में बताया, अभी कृष्णायन के बारे में बताया, ऐसी बहुत सारी चीज है जो कंपनी फ्रंट लेवल पे आपको नहीं दिखा रहा है दोस्तों, जो समाज सेवा के रूप में हमारे कंपनी के प्रमोटर्स के बकायदा फोटो लगा हुआ है दोस्तों। सोच के देखिए इतना कमाल, इतना पावरफुल, इतने शानदार विचारों वाले प्रमोटर के साथ हम आप हैं, इतना मजबूत हाथों में हम आप हैं दोस्तों। हमारा भविष्य, हमारा कैरियर बहुत ब्राइट है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बताया दोस्तों, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको नियति चेक करना चाहिए, उनका नियत कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका अनुभव कैसा है, इस फील्ड के कितने नॉलेजेबल पर्सन है। तो उनके पास अगर मैं बात करूं तो उनका नियत आपने देख लिया, प्लान के साथ साथ में दोस्तों वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस मैंने बताया, लगभग 25 वर्षों का एक्सपीरियंस है, 25 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक्सपीरियंस है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हो सकता है आपको गुमराह करने का काम करेंगे, जो हो सकता है आपको गलत चीजें बताने का कार्य करेंगे। तो आपका काम है दोस्तों पहले समझना, हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो बड़ा पैसा कमाए हैं, बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं,
लेकिन हो सकता है आपको इस गैलवे को लेकर, जो कभी ये नारा देते थे, जय गैलवे जय भारत का नारा देते थे दोस्तों, सोच के देखिए, जय गैलवे जय भारत का नारा देते थे, लेकिन आज वही गैलवे को लेकर कभी कभी उल्टा बोलते हैं, उल्टा तरह की बात करते हैं सवाल है। क्यों? क्योंकि उनकी, आपको उनकी मनसा को समझना चाहिए, उनकी मनसा क्या है दोस्तों, आज वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आपको दोस्तों जो भी प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, जिनके लिए कभी डायरेक्टर की बातें पत्थर की लकीर हुआ करता था दोस्तों, प्रमोटर्स की बातें पत्थर की लकीर हुआ था दोस्तों, जो कभी जीने मरने की कस्में खाते थे कि गैलवे में जिएंगे गैलवे में मरेंगे, लेकिन आज अगर वो अलग तरह तरह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है, हालांकि पता नहीं आपको ऐसे लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं दोस्तों, हो सकता है जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों। प्रदीप को बड़े सारे लोग शुरुआती के तौर पर मिला करते थे, हमारे साथ बड़े सारे सीडी पीडी ईडी एसडी आरडी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआती के दौर में मुझे बड़े सारे लोग ऐसे मिलते थे, तो मेरे पास बस दो ही ऑप्शन था दोस्तों, दो ही चीजें हम मैंने मैंने सिखा है दोस्तों। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं या शॉर्ट टर्म के लिए, क्या ये बिजनेस मुझे थोड़े वक्त के लिए करना है या इस बिजनेस को अपना कैरियर समझ के काम करना है दोस्तों। तो अगर हमें कैरियर समझ के काम करना है, तो हमें देखना चाहिए वहां के प्रमोटर्स कैसे हैं, हमें देखना चाहिए उस प्रमोटर की नीयत कैसे, अनुभव कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। हो सकता है जो आज आपके बीच में आएंगे, जो आपसे बातचीत करेंगे, आपको जिस कंपनी को लेकर बातचीत करेंगे, जाके आप जब देखेंगे ना, तो वहां के डायरेक्टर्स पता चलेगा, वहां के प्रमोटर कभी नौकरी कर रहे थे या कभी कोई और काम कर रहे थे, उस काम को करते करते उनको लगा चलो यार एक कंपनी खोल लेते हैं, और वो कंपनी खोल करके दोस्तों किसी एक लीडर को क्या करते हैं, लीडर को डील कर लेते हैं, बड़ा ऑफर देते हैं उस लीडर को, और बड़े ऑफर की वजह से दोस्तों वो लीडर आपके बात बीच में आके ऊट पटांग की बात करता है। बस आपको समझना चाहिए कि वो लीडर अगर इस तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है साथियों, उस लीडर का मनसा समझो, उस लीडर की मनसा क्या है, पहले यहां से बड़ा पैसा कमाया लेकिन आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट देख रहा है, सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। आप जरा सोचना, मैंने पहले ही बताया दोस्तों, अगर आपको कंपनी समझनी चाहिए तो कंपनी को समझने से पहले प्रमोटर को समझिए, और प्रमोटर को समझना है तो आप देखिए वो कंपनी कितनी पुरानी है। पुरानी कंपनी है इसका मतलब ये होता है प्रमोटर बहुत लायक है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर की सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्लेज कंपनी जो है, गैलवे जो कंपनी है, वो 21 वर्षों से चल रहा है दोस्तों। दोस्तों मैंने पहले ही बताया दोस्तों, 21 सालों से ये कंपनी काम कर रहा है। तो आप पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें कि ये जो दो फोटो बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप और हम ऐसे हाथों में हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो इस कंपनी में, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है दोस्तों, जिसकी वजह से बड़े सारे लोगों ने बड़ा बड़ा चेक बनाया है दोस्तों। सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है, और वो विश्वास जानने से आता है। तो अभी जैसे मैंने आपको प्रमोटर्स के बारे में बताया, तो आई होप आपको ये बिलीव हो गया होगा कि आप हमारे प्रमोटर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रमोटर्स हैं दोस्तों। तो आइए मैं दोस्तों अब बात करता हूं दोस्तों प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे पास यानी गैलरी के पास दोस्तों मॉर्निंग एएम से लेकर नाइट पीएम तक के प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं दोस्तों। हमारे पास जरूरत के अनुसार तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, एक हाई मार्जिन, एक मीडियम मार्जिन और एक लो मार्जिन के प्रोडक्ट है दोस्तों। हाई मार्जिन के प्रोडक्ट आपके जरूरत के अनुसार आप होता है, जिसमें हाई मार्जिन में बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है दोस्तों। इसी साथ साथ मीडियम मार्जिन, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी मार्जिन नहीं होता, मीडियम होता है। लो मार्जिन के वो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, हमारी साबुन हो गई, हमारा तेल हो गया, ये सब लो मार्जिन के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, जो उचित मूल्य पर मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो चीजें दर्शाई गई हैं, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट यानी कि क्वालिटी के प्रोडक्ट उचित मूल्य पर, वैल्यू ऑफ प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो तराजू दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी प्लस मूल्य, क्वालिटी प्लस मूल्य दोस्तों। आपकी क्वालिटी, हमारे पास जो प्रोडक्ट है बहुत शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उचित दामों पर मिलता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी क्वालिटी है, हमारा जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी को हम इतना दावे के साथ क्यों कह पा रहे हैं कि हमारी क्वालिटी बेहतरीन है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास खुद का हरियाणा में साफियाबाद में सोनीपत में मौजूद अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड से जाना जाता है दोस्तों। अनन्या हर्बल में दोस्तों एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, साथ ही साथ हाईली
टेक्निकल एक्सपीरियंस टीम है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का, यानी कि यहाँ पर लैब बनाया गया है, जो साइंटिस्ट रखे हैं, जो अच्छे से उसको बनाया जाता है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक करने के बाद तब वो प्रोडक्ट दोस्तों आप तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना शानदार अपना दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारी अपनी फैक्ट्री है, हमारी अपनी कंपनी है, तो दोस्तों हमारी क्वालिटी नंबर एक का है, और क्वालिटी के साथ साथ वाजिब रेट पे मिलता है। बट बाहर में क्या होता है, दूसरी कंपनी में क्या होता है दोस्तों, दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट के नाम पर क्या होता है समझना। पहली वो कंपनी होती है जो कुछ कंपनी उचित मूल्य पर उचित प्रोडक्ट देता है, जैसे कि मैं अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ उचित मूल्य पे मिलता है। दूसरी ऐसी कंपनी होती है, दो उन कंपनियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहली ऐसी कंपनी मिलेगी जिसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा होता है दोस्तों। जब आप महंगा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत कम उसको ले पाते हैं दोस्तों, जब आप उनसे सवाल करते हैं, महंगे को लेकर बात करते हैं दोस्तों, तो वहां के लोग एक ही बात बोलते हैं दोस्तों कि आप बिजनेस करने आए हैं या प्रोडक्ट खरीदने आए हैं, प्रोडक्ट बेचने आए हैं। बट मोटा मोटा आप समझिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आपका प्रोडक्ट का टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका इंसेंटिव उतना ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है, जब आप बोलेंगे महंगा, महंगा का मतलब हमारे प्रोडक्ट से लगभग, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा जो 2 गुना महंगा, नियर अबाउट 2.5 गुना महंगा प्रोडक्ट आपको मिलेगा दोस्तों। जब आप उनसे इस प्रकार की बात करेंगे तो आपको एक ही जवाब देंगे, क्या आप प्रोडक्ट बेचने आए हैं या बिजनेस करने आए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस पर होती है। तीसरी ऐसी कंपनी मिलेगी दोस्तों जहां पर प्रोडक्ट भी महंगा होगा और क्वालिटी कुछ भी होगा, नथिंग के बराबर क्वालिटी होगी, यानी कि क्वालिटी बिल्कुल जीरो होगी दोस्तों। ऐसी कंपनी क्वालिटी पर नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट महंगे पर काम करता है दोस्तों। आप जब जरा सोच के देखिए, जहां की प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, वो उस कंपनी का लाइफ कैसा होगा? क्या वो लॉन्ग टर्म वाली कंपनी होगी? क्या वो लंबे समय तक काम करने वाली कंपनी होगी? और हमने क्या बोला, आपके से पहले ही ये सवाल पूछा, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने वो कंपनी में काम करनी है जिस कंपनी में हमारा कैरियर बेहतर हो सके, जिस कंपनी में हमारा भविष्य बेहतर हो सके। तो हमारा कैरियर, हमारा भविष्य वहां बेहतर हो सकता है दोस्तों जहां पर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा और वाजिब रेट में होगा। और वो दोस्तों दोस्तों गैलवे वो आपको दे रहा है। आपको गैलवे का मैंने शानदार वेयर हाउस दिखाया। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारे पास अपना लैब है, हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कराने के लिए दोस्तों साइंटिस्ट हैं, सारी चीजें हमारे पास है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आपको और डिटेल से प्रोडक्ट के बारे में जानना है दोस्तों, तो और डिटेल से जानने के लिए कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बनाई है दोस्तों, जो प्रत्येक डे दोपहर 12:15 बजे या 2 बजे या 3 बजे भी चलता है कभी कभी, तो दो ट्रेनिंग, कभी कभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग 2 बजे भी चलती है। तो आप जरूर ऑनलाइन 12:15 बजे की ट्रेनिंग का हिस्सा बन करके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से आप जान सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों प्लांट से संबंधित। ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम सब ने, अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब काम कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो सपने साकार होंगे पैसे से, और वो पैसा आता है दोस्तों प्लान से। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमारा प्लान कैसा है, यानी कि मार्केटिंग का, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का प्लान कैसा कैसा होता है, आपको बताता हूँ दोस्तों। मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है दोस्तों, एक होता है बाइनरी और एक होता है दोस्तों मैट्रिक्स। दोस्तों तो बाइनरी प्लान जो होता है वो 2 लेग से चलता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। बाइनरी प्लान में दोस्तों जब भी आप बाइनरी प्लान में जाएंगे तो बाइनरी प्लान में एक आईडी आपको अपनी लगानी पड़ती है, इसके साथ साथ 2 आईडी आपको लगाने के लिए बोला जाता है, और उनके आगे 2 आईडी, यानी कि टोटल देखा जाए दोस्तों तो 7 आईडी आपको लगाना पड़ता है बाइनरी प्लान में। कि अगर एक आईडी लगाने का ₹10,000 लगता है तो 7,70,000 रुपये लगाना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैट्रिक्स प्लान की बात करें तो मैट्रिक्स प्लान में दोस्तों एक आप लगते हैं और आप मनचाहा जितने भी डायरेक्ट लाइन आप ओपन कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइन है आपके डायरेक्ट में होगा दोस्तों उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन बाइनरी प्लान में क्या होता है, लेफ्ट और राइट
यही दो लेग चलते हैं, जिसमें से आपको मोटा मोटा वो और भी आईडिया आपको अगर लगानी पड़ती है तो वो नीचे जाके लगाना पड़ता है दोस्तों। मैट्रिक्स प्लान में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स प्लान वो होता है दोस्तों जिसको वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग में मैट्रिक्स प्लान को ही सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई माना जाता है दोस्तों। आज हमारी आईडिया से भी को देखिए तो वो मैट्रिक्स प्लान को सपोर्ट करता है दोस्तों। और हम जितने भी गैलवे परिवार के लोग हैं, जो हमारी गैलवे कंपनी है दोस्तों, वो बैनरी पे नहीं मैट्रिक्स प्लान पे काम करता है। फिर भी मैट्रिक्स प्लान में फिर भी लोग, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैनरी प्लान में जाकर के लोगों के बहकावे में, लोगों के बहकावे में पड़ के बाइनरी प्लान में काम शुरू करते हैं दोस्तों। क्योंकि बाइनरी प्लान का जो स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी प्लान का जो स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा लुभावना होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है शुरुआती दौर में। बात फिर से वही मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है, कम टाइम के लिए पैसा कमाना है या लॉन्ग टर्म के लिए लगातार बड़ा पैसा कमाना है दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं ये बाइनरी प्लान होता क्या है। बाइनरी प्लान क्या होता है और कैसे काम करता है वो बताता हूँ। दो लाइन का प्लान होता है जिसे लेफ्ट और लेफ्ट लेग और राइट लेग कहा जाता है। लेफ्ट और राइट लेग दोनों में समान बिजनेस आने पर ही मैचिंग बोनस बनता है। यानी कि दोस्तों इसमें पैरेलल लेग को समान लेके चलना पड़ता है। अगर समान ये पैरेलल लेग चलता है तभी जाकर के आपको मैचिंग बोनस मिलता है। बाय द वे जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, मान चलिए एक लेग में आपका 20,000 सेल हो गया और दूसरी लेग में मात्र दोस्तों 15,000 सेल हुआ, तो आपका मैचिंग 15,000 का हुआ, बचा 5,000 पर आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी वो दिखाएंगे आपको कि वो 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो कैरी फॉरवर्ड में भी कंपनी का बेनिफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं होता है दोस्तों। यदि एक लेग में ज्यादा बिजनेस हो जाए तो दूसरे लेग में कम हो जाए, तो जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया, जैसे मान चलिए यहाँ पे 20,000 प्लस ये 5,000 की बात करी गई, तो आपको यहाँ 15,000 पर किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 का मैचिंग कर गया लेकिन 15,000 मैच नहीं करने की वजह से ये प्रॉफिट कंपनी को हुआ, ना कि आपको। शुरू में अच्छा पैसा होता है लेकिन एक समय के बाद वह पैसा कम हो जाता है, क्योंकि पेयर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी या एमआरपी से लगभग 5% डिस्काउंट पर परचेज करना पड़ता है, जो कि डीपी से लगभग 35% से लेकर 40% ज्यादा होता है दोस्तों। इसका सीधा मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत महंगे प्रोडक्ट मजबूरी में खरीदने पड़ते हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों, एमआरपी से 5% मात्र डिस्काउंट पे मिलता है और उसका जो डीपी रेट होता है वो 35 से 40% डीपी रेट होता है। इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदने पर ही आपको मैचिंग का बेनिफिट मिलता है। बाइनरी प्लान शुरू में अच्छा पैसा होता है लेकिन एक समय के बाद पैसा कम हो जाता है, क्योंकि पेयर की वैल्यू कम होना निश्चित हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया। बाइनरी कंपनी अप टू शब्द का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब होता है अधिकतम पेयर वैल्यू। यानी कि शुरुआत में पेयर वैल्यू जो दिया जाता है शुरुआती दौर में, जैसे 10% दिया जाता है, पहले 4 महीने 10%, अगले 4 महीने 9%, अगले 4 महीने 8%, अगले 4 महीने 7%, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपकी पेयर वैल्यू जो होता है दोस्तों घटता चला जाता है। इसीलिए जब किसी चीजों को समझिए, पूरा डिटेल में जाके समझिए, पूरा एक्सप्लेन करके, जब भी कोई आपके बीच में आता है, आपसे बात करने आता है ना, तो पूरा एक्सप्लेन करके समझिए। मैंने पहले ही बताया बाइनरी प्लान बड़ा अट्रैक्टिव प्लान होता है, बहुत आसानी से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत आसानी से आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा कमाल का है, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको क्या दिखा रहा, सीधा 10%। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी वैल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन वैल्यूम बढ़ने के साथ साथ दोस्तों उस अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जाके देखना, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो शुरुआती दौर से जिन्होंने कंपनी में काम शुरू किया है दोस्तों, वो आज भी काम कर रहे होंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आज भी हमारी कंपनी में उठाकर देख लीजिए, आज भी शुरुआती दौर में जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर को देख लीजिए, शुरुआती दौर में वो काम कर रहे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। राजेश मोदी सर को देख लीजिए, राजेश पासवान सर को देख लीजिए, गोप सर को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में काम किया, वो आज भी काम कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारी कंपनी जो कहती है, हमारी कंपनी जो बोलती है, वो आपको देता है दोस्तों। हमारा प्लान बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों वैसे वैसे आपकी इनकम यहाँ बढ़ती है। आज से 21 वर्ष पहले भी हमारे जनार्दन सर का इंसेंटिव बनता था, आज 21 वर्ष बाद भी जनार्दन सर का इंसेंटिव बनता है, इतना पावरफुल ये प्लान है दोस्तों। लेकिन बैनरी में क्या होता है, शुरुआती दौर में आपको बड़ा एक्साइटमेंट, बड़ा एक्टिव चीजें बताएंगे, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त बैनरी में प्लान में कई तरीके के इनकम पर कैप लगाई जाती है, जैसे डेली कैप, वीकली कैप,
मंथली कैप बैलेंस प्लस, सोचिए आपके इंसेंटिव पे कैपिंग सिस्टम होता है। कैपिंग का मतलब होता है कि आप एक सप्ताह में इतना ही कमा सकते हैं या एक मंथ में आप इतना ही कमा सकते हैं, कैप है। हमारे यहाँ कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ का एक एक सीढ़ी 7-7 8-8 हजार रुपए का इंसेंटिव बनाता है। अभी हमारे जो एक्साइडी टीम है दोस्तों, एक्साइडी के बारे में बात करूं तो एक एक सीढ़ी लोगों ने 15-15 हजार रुपए का इंसेंटिव बनाया। एक एक सीढ़ी की बात करो, कोई भी कैपिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ पीडी बहुत अच्छा इंसेंटिव बनाता है, ईडी बनाता है, एसडी बनाता है, आरडी बनाता है, हर लेवल का बंदा बहुत शानदार बहुत गजब का इंसेंटिव बनाता है दोस्तों। नहीं तो आज से कोविड से पहले उठा के देख लीजिए, कोविड से पहले हम इसी गैलवे में मात्र 3 लाइनों की बदौलत दोस्तों 35 लाख का इंसेंटिव बना, सिर्फ 3 लाइन की वजह से दोस्तों। समय के अनुसार हर आदमी अपडेट होता है, हमारी कंपनी भी समय के अनुसार प्लान को सिर्फ अपडेट करता है, चीजें नहीं बदलता। और जितनी बार भी अपडेट हुआ दोस्तों, उस अपडेट के अकॉर्डिंग लोगों के चेक से बढ़ रहे हैं, लोगों ने अपने सपने को साकार किया है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिन पे कोविड का फर्क पड़ा या कुछ और उनको बड़ी डील मिल गई, तो बड़ी डील की वजह से या कोविड की वजह से उनका नेटवर्क उथल पुथल हुआ, तो ऐसे लोग हो सकता है आपको परेशान करेंगे, आपको डाइवर्ट करने का काम करेंगे। ऐसे लोग फील्ड में आपको मिलेंगे, बट ऐसे लोगों से घबराना नहीं, बिकॉज हमने अपनी कैरियर के लिए काम करना है, हम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमें वो जगह चाहिए जहां पे आज हम काम कर रहे हैं और आने वाला वक्त में हमारे बच्चे भी काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक तरफ घटता हुआ इंसेंटिव प्लान है और एक ये प्लान है जहां पे सिर्फ इनकम बढ़ती है, घटती नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, घटेगी तब घटेगी जब प्लान के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे। आप गैलवे के प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए, गैलवे के प्लान के थ्रू काम करिए। हमारे बीच में एक हमारे एलईडी हैं, हमारे अपलाइन हैं, राजेश सर नाम है उनका दोस्तों, जिनको देख करके मैंने शुरुआती दौर में काम किया दोस्तों। हमारे सुपर अपलाइन में आते हैं, हमारे ऊपर के अपलाइन में आते हैं अनिल सर, जिरडी हैं, अनिल सर के ऊपर आते हैं राजेश सर जो एलईडी हैं, उनका पिछला महीने का दोस्तों सिर्फ एलईडी लेवल का सिंपल एलईडी है, कोई स्टार नहीं है दोस्तों, सिंपल एलईडी का 5,14,000 का चेक बना। तो मैंने आपको क्या बोला, गैलवे का प्लान बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है दोस्तों, लेकिन इस प्लान पे अगर शानदार तरीके से आपको पैसा कमाना है तो प्लान के थ्रू काम करना है दोस्तों, प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, फिर देखिए आपका इंसेंटिव कितना कमाल का बनेगा। क्या लगता है, अगर उनका चेक बनेगा तो आपका नहीं बनेगा? 100% बनेगा दोस्तों। लेकिन हो सकता है आज आप सीडी हैं, पीडी हैं, हो सकता है आज आपका चेक छोटा होगा, तो ऐसे टाइम पे हो सकता है आप आरडी होंगे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती दोस्तों, तो हर आदमी एक जैसा पैसा नहीं कमाता। हो सकता है आपको लोग जिस प्लान को लेकर मैं समझा रहा हूँ, बैंडरी प्लान को लेकर समझा रहा हूँ, हो सकता है ऐसे प्लान या अदर किसी कंपनी को लेकर आपसे आएंगे बातचीत करने। ध्यान समझना, एक ही बात समझना माइंड में, उनकी मनसा क्या है, उनकी मनसा। कभी आपको कहते थे काम करो बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन आज आपको गुमराह कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनमें उनकी प्रॉफिट है ना कि आपकी दोस्त। यानी कि कान चाहे कहीं से पकड़ लो, पैसा बढ़ते समय के साथ साथ कम होता है बैनरी प्लान में, जो मैंने आपको पहले से बताया। इंसेंटिव में कैपिंग लगा होता है, कट जाएगा या फिर गिरती हुई पेयर वैल्यू कट जाएंगे दोस्तों। और मैचिंग बोनस के लिए मैं आप बात करता हूं बैनरी के बारे में, मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी या एमआरपी से लगभग 5% डिस्काउंट पर परचेज करना पड़ता है, जो जो कि डीपी से लगभग 35 से 40% ज्यादा होता है दोस्तों। इसका सीधा मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत महंगे प्रोडक्ट मजबूरी में खरीदने पड़ते हैं। यानी कि अगर उसका 1,000 रुपए का अमाउंट है, एमआरपी है, तो उसमें उसका डीपी रेट है 650 रुपए, इससे बढ़ करके लगभग 350 रुपए बढ़ करके आपको पैसा पे करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि मैचिंग बोनस लेनी है तो आपको इतना ये काम करना पड़ेगा। दिए गए उदाहरण से साफ है दोस्तों, प्रोडक्ट का डीपी मूल्य केवल दिखाने के लिए होता है, असल में 99% बिजनेस एमआरपी पर करना पड़ता है। कंपनी ऐसे शो करती है जैसे कि हर सेल पर कंपनी के बिजनेस प्लान के सभी इनकम कंपोनेंट पर इंसेंटिव मिलता है, जबकि ये एक भ्रम है, ये प्रॉपर झूठ है, ये एक झूठ है दोस्तों, क्योंकि मैचिंग बोनस लेवल फर्स्ट परचेज की सेल पर मिलता है। मैचिंग बोनस लेवल जो मिलता है दोस्तों वो फर्स्ट परचेज पे होता है। बहुत तरह का इंसेंटिव सिर्फ रीपरचेज या रीपरचेज बिजनेस ना के बराबर होता है, रीपरचेज पे मिलता है या वो ना के बराबर वो बिजनेस होता है दोस्तों। इसका सीधा मतलब है अपने बनाए हुए नेटवर्क से आप अपनी लगातार इनकम कभी नहीं कर पाएंगे, हर महीने नए लोग को बिजनेस में लाना होगा। यानी कि रोज कुआं खोदो और पानी पियो, ये है दोस्तों बाइनरी प्लान।
ऐसी कंपनी को सीधी भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो ऐसी कंपनी को हम मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी कहते हैं। ये सिर्फ मनी सर्कुलेट कर रहा है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया दोस्तों, चुनाव आपको करनी है, समझ आप में होती है। मैं सिर्फ आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिर्फ एक सही नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कुछ लोग मेरे साथ भी कनेक्ट हुए थे, ऐसे कुछ लोग मेरे साथ भी आए थे, मेरे से भी बात किए थे, लेकिन दोस्तों मुझे पता था, मैंने मैंने समझा था प्रमोटर्स के बारे में, मैंने जाना था प्रोडक्ट के बारे में, मैंने जाना दोस्तों प्लान के बारे में। इतना शानदार प्लान, इतना खूबसूरत प्लान दोस्तों, जहां पर सिर्फ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्लान के थ्रू, आप लाइनें चलाते जाते हैं, जैसे कम से कम अगर यहाँ पर 6 लाइनें आप लेके चलते हैं, तो 6 लाइनों की बदौलत दोस्तों आप यहाँ पर बड़ी इनकम, बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो बाइंडिंग प्लान क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ गया आ गया होगा, आई होप। आपको और डिटेल से समझना है तो ऐसी कंपनी की जानकारी, इस तरह की बाइंडिंग प्लान कंपनी ज्यादा वक्त तक नहीं काम करता दोस्तों, कंपनी बंद होनी निश्चित होती है, क्योंकि ऐसी कंपनी या तो खुद बंद हो जाती है या तो ऐसी कंपनी को सरकार बंद हो जाता है। कौन सी कंपनी? जो मनी का सर्कुलेशन करता है, मनी सर्कुलेशन का काम करता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट को कस्टमर तक देना, ये डायरेक्ट सेलिंग का मकसद होता है दोस्तों। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर क्या करते हैं? लोगों के साथ चीट करने का काम करते हैं। ऐसी कंपनी की जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप इस लिंक पर अगर जाते हैं दोस्तों, तो आप देख पाएंगे बड़े सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, बड़े सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो गई, जो बड़े बड़े दावा करती थी, बड़ी बड़ी बातें बोलती थी दोस्तों, बड़े बड़े स्कीम लेके आती थी, बड़े बड़े अट्रैक्टिव प्लान लेके आती थी, महज 2 साल 4 साल 5 साल, हाईएस्ट 5 साल जाते जाते दोस्तों वो कंपनी बंद हो गई। मैंने आपको पहले से बताया कि 21 वर्ष पहले जब गैलवे कंपनी की शुरुआत हुआ था दोस्तों, तो बहुत सारी इंडियन कंपनी, बहुत सारी विदेशी कंपनी ने काम को इस कंपनी खोला था दोस्तों। लेकिन आज आपकी उंगलियों पर भी आप गिनती करेंगे ना, तो उंगलियों से भी कम ऐसी कंपनी मिलेगी दोस्तों जो 15 साल की जर्नी सफलता पूर्वक तय की है दोस्तों। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं दोस्तों कि हमें ऐसी कंपनी मिली जो कंपनी लगभग 21 सालों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, जब आप लिंक को क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4,000 से ज्यादा कंपनी बंद हो गई है और लाखों डायरेक्ट सेलर का नेटवर्किंग भविष्य खराब हो गया दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों लाखों लोगों के भविष्य खराब हो गया, लाखों लोगों ने अपने कैरियर को खराब कर लिया है ऐसी कंपनियों में जाकर के, क्योंकि ऐसी कंपनियों में लोगों का लाइफ, ऐसी कंपनियों का लाइफ नहीं होता। और मैंने पहले ही आपको बताया, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, ये फैसला आपके हाथ में है। आप लगातार बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं या थोड़े वक्त के लिए ज्यादा पैसा कमा करके अपने भविष्य को अंधेरे में रखना चाहते हैं, यह फैसला आपको करना है, ये सवाल आपका है दोस्तों। तो मार्केट में तो कुछ कंपनी ऐसी है जो नॉर्मल प्लान की भी हदें पार कर देती है, जहां 10% मैचिंग इनकम लंबे समय तक देना संभव नहीं होता है, यह कंपनी 20% मैचिंग इनकम देने की दावा करती है और साथ ही डेली क्लोजिंग करती है और डेली कैप भी लगाती है। 20% की मैचिंग बोनस का मतलब है कंपनी की लाइफ कुछ ही साल है, क्योंकि 20% मैचिंग बोनस का मतलब है बहुत जल्द मैचिंग बोनस या पे आउट कैपेसिटी या ज्यादा पे आउट कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा और कंपनी को मैचिंग बोनस परसेंटेज कम करनी पड़ेगी और यह सिलसिला हर महीने चलेगी। धीरे धीरे पेयर की वैल्यू इतनी कम होती जाएगी, बिजनेस प्लान ही खत्म हो जाएगा, या ऐसी स्थिति में आपका आपके नेटवर्क के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। जब कम ज्यादा कंपनी करेगा पे आउट या परसेंटेज कम ज्यादा करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क से रिलेशन खराब होने की वजह से दोस्तों नेटवर्क खराब हो जाएगा या आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी जो सोच के देखिए, कंपनी ऐसी जो नॉर्मल प्लान की सारी हदें पार कर जाती हैं, ये क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, इतना गजब का, इतना शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, लगेगा दुनिया का सबसे बेहतरीन ये चीज। लेकिन 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 बात फिर से वही आ जा रही है, कैरियर की बात फिर से आ जा रही है, उनके मनसा की, उनकी मनसा क्या है आपसे इस तरह की बात करने की। डेली पे आउट का मतलब है कंपनी सीनियर को ज्यादा से ज्यादा कैप लगा के रखे, किसी एक दिन भी अगर मैचिंग बोनस नहीं बना तो वो दिन आपकी कमाई साइकिल से निकल जाएगी, यानी कि किसी मैचिंग बोनस के लिए प्रोडक्ट एमआरपी से 5% डिस्काउंट पर परचेज करना पड़ता है, जो कि डीपी से लगभग, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी ऐसे शो करती है जैसे हर साल हर सेल पर कंपनी के बिजनेस प्लान के
सारे इनकम कंपोनेंट्स पर पैसा बांटता है, जबकि ये एक भ्रम है। कंपनी शुरुआती दौर में आपको इस तरह से प्लान देता है कि आपको ऐसा दर्शाएगा कि बिजनेस प्लान सभी कंपोनेंट्स पर पैसा बांटता है, जबकि ये प्रॉपर क्या है, एक भ्रम है, ये झूठ है, क्योंकि मैचिंग बोनस और मंथली स्मार्ट बोनस ही फर्स्ट परचेज की सेल पर मिलता है, बाकी सभी इनकम इस एमआरपी की फर्स्ट परचेज पर मिलती है। बाकी के सभी इनकम हेड के लिए रीपरचेज का होना आवश्यक है। अगर उस इनकम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे इनकम रीपरचेज पे होता है। दोस्तों, बड़े सारे लीडर्स हमारे लगातार ट्रेनिंग लेते रहते हैं, मीटिंग्स कंपनी की लेते रहते हैं, तो बड़े सारे लीडरों के पास कुछ लोग ऐसे जाते हैं, या सीडीओ के पास, सीडी के पास जाते हैं, पीडी के पास जाते हैं, लीडर्स के पास जाते हैं, बैंड्री को लेकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। वाइद पे अगर उनसे काम नहीं बनता है, तो वो कभी कभी क्या होता है, फ्रेंचाइजी जो कंपनी का मुख्य स्तंभ होता है दोस्तों, ऐसे लोग को जाकर के लुभावने प्लान देने का कार्य करते हैं। किस तरह की ऐसी कंपनियां किस तरह की प्लान देते हैं समझिए। इसलिए कुछ समय के लिए फ्रेंचाइजी चलाने के लिए लुभावने ऑफर या डील देते हैं। क्या डील देते हैं? फ्रेंचाइजी का कमीशन रीपर्चेज पर अधिक दिखाया जाता है। समझना, ध्यान से समझना, एक होता है फर्स्ट परचेज, एक होता है रीपर्चेज। तो फ्रेंचाइजी की कमीशन रीपर्चेज पे अधिक दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसी कंपनी में फर्स्ट परचेज और रीपर्चेज का रेशियो क्या होता होगा? 80%, 80/20, ये इनका रेशियो होता है दोस्तों। 80% इनका फर्स्ट परचेज से होता है, 20% दोस्तों रीपर्चेज होता है। इसका मतलब इनका कमीशन होता है फर्स्ट परचेज से 5% और रीपर्चेज से 10%। और आप देख सकते हैं वहां पे परचेजिंग क्या है, 20% मात्र सेकंड परचेज है। कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चयन करें फिर? तो दोस्तों, आपको सीधी सी बात है, ओवरऑल मैं आपको अपनी बात अपनी कंक्लूड करता हूं। मैंने अभी आपको बताया अपने प्रमोटर्स के बारे में, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के बारे में। प्रमोटर्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छी नीयत के हैं, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव हमारे प्रमोटर्स के पास है। मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी कंपनी की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हमारी कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद का लैब है, खुद का दोस्तों बनाता है प्रोडक्ट। इस वजह से हमारी कंपनी की क्वालिटी, हमारी कंपनी वाजिब रेट पे आपको प्रोडक्ट देता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया, प्लान, प्लान में मैंने आपको समझाया कि हमारे यहाँ बिल्कुल खुली किताब की तरह प्लान है दोस्त। मैंने पहले ही बताया, आज से 14 वर्ष पहले भी सीडी से लेके जीडी लेवल तक समान लेवल है। शुरू से लेकर अब तक भी पहले भी कंपनी इंसेंटिव प्लान लेके आया है, जो हमारे लिए अपडेट जब कंपनी करता है वाइद वे, तो उस तो असला लेना चाहिए, समझिए। ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो मल्टीपल मल्टीपल लेग स्ट्रक्चर वाली कंपनी हो, यानी कि जो मैट्रिक्स प्लान पे काम करता है, जहां ओपन कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी लेग ओपन करते हैं, यानी कि जिसको आईडीएस से सपोर्ट करता है, जिसको वर्ल्ड लेवल की डायरेक्ट सेलिंग, जिसको WFDS से सपोर्ट करता है दोस्तों। रिटेल बेस्ड इंसेंटिव आता है, ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो कंपनी लगभग 15 सालों से ज्यादा सफर तय कर चुकी हो दोस्तों। तो ये जो पॉइंट हमने आपको अभी तक बताया है दोस्तों, ये प्रॉपर 7 पॉइंट है। मल्टीपल लेग वाली कंपनी होनी चाहिए, जहां पर जो मैट्रिक्स प्लान पे काम करता हो, जो रिटेल बेस पे हो, जिसका फिक्स पे आउट हो, यानी कि किसी प्रकार का आपका कैपिंग नहीं लगाना लगा होना चाहिए बिल्कुल इंसेंटिव पे, और आज जो हम बोल दें आने वाला वक्त में भी बिल्कुल वैसा ही हम मिले। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्लांट होनी चाहिए, R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की शानदार रेंज होनी चाहिए, IDSA का वो मेंबरशिप होना चाहिए, कम से कम 15 साल से ज्यादा का सफर करके हो, कंपनी के बैक एंड हैंड पे हर तरीके की डिपार्टमेंट होना चाहिए। हर तरीके का डिपार्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, ताकि आपका कार्य बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से आप कर पाए, ताकि ये कंपनी सदियों तक चल पाए। ये कहीं ना कहीं दोस्तों बैकएंड डिपार्टमेंट पे भी निर्भर करता है, और हमारी कंपनी के पास बैकएंड डिपार्टमेंट मैंने पहले ही बताया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वहां पर मैनेजमेंट की बकायदा टीम है, और 15 बैकएंड डिपार्टमेंट बनाया गया है दोस्तों, जो अपने आप में हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक कंपनी है। तो 2952 है दोस्तों, मेरे पास में, कंपनी का खुद उसमें का नाइन IT हंड्रेड ले डिपार्टमेंट डिफेंस हमारे से पास है, क्रॉस कर रहे हैं। कंपनी के फाउंडर का अच्छा अनुभव, अच्छी मनसा के साथ दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल एक और ट्रेनिंग में मिलते हैं, तो आप लोग अपने ट्रेनिंग का फीडबैक अवश्य दें।